नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। कमलनाथ का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश समाचार से बड़ी खबर है। शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार अत्याचार में छूट, अब इनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। विस्तार से पूरी खबर जानेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं और उन्होंने क्या कहा है। मध्य प्रदेश के सबसे लोग देखें और इस पर अपने विचार जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं लैट चुको। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार की बात करें, कुपोषण की बात करें, कार्रवाई की बात करें, हर बात में इनकी सच्चाई सामने आ रही है। शिवराज सरकार में आज अत्याचार पर छूटे, भ्रष्टाचार पर छूटे, यह जान चुके हैं कि इनके आखिरी 12-13 माह बचे हैं। जितना लूट सको लूट लो। आज सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने का है। जो आदिवासी समाज हमेशा से ही रहा है वह एक नहीं रहे, यह आज भाजपा का लक्ष्य है। वह एक तरह इवेंट करती है और दूसरी तरह आदिवासी समाज को बांटने का भी काम कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज की जो उपजातियाँ हैं उनके कई संगठन हैं, उनको यह पैसा प्रलोभन देकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का शुरू से प्रयास लोगों को बांटने का रहता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आज यह चीता छोड़ रहे हैं, लेकिन कुपोषण पर बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। यह आज प्रदेश के हालात हैं और यह जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो आज प्रदेश और हर व्यक्ति के भविष्य जुड़े हुए मुद्दे हैं, उससे आज ध्यान बांटने का काम हो रहा है। हमारा श्योपुर जिला देश का सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है, इसके गवाह तो खुद सरकारी आंकड़े हैं। चीता तो यह एक माह बाद भी छोड़ सकते थे। पहले ये कुपोषण दूर करने के लिए कैंप लगाते, कुपोषण दूर करने के उपाय करते, लेकिन इन्हें तो चीता इवेंट करना था। आज श्योपुर जिला कुपोषित के साथ साथ सबसे गरीब जिला भी है और वहाँ के आदिवासियों के भविष्य की इनको कोई चिंता नहीं है और वहाँ जाकर यह लेक्चर दिया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए यह सही है। यह सब नाटक आज चल रहा है। सरकार को कुपोषण को दूर करने को लेकर कार्य योजना बनानी चाहिए। कायदे से तो वहाँ गिर के शेर आने चाहिए थे। जब मेरी सरकार थी और जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने इसको लेकर खूब प्रयास किए। मैंने इसको लेकर सरकार से बात भी की थी कि यहाँ पूरी तैयारी है, आप गिर के शेर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने शेर भेजने से मना कर दिया। अब शेर तो भेजे नहीं, गुजरात से, अफ्रीका से चीता ले आए ध्यान बांटने के लिए। हम जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज की जनता समझदार है, इनकी सच्चाई को देख रही है। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की लगातार घटना घट रही हैं। आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। विधायक पांची लाल मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि आज पूरे प्रदेश का आदिवासी वर्ग अपने विधायक के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को खुली आंख से देख रहा है कि किस प्रकार उनके साथ अशोभनीय घटना हुई। भाजपा सिर्फ आदिवासियों के नाम पर इवेंट करती है, सम्मेलन करती है और अधिकारियों को टारगेट देकर भीड़ बुलाई जाती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल द्वारा कही गई बात के सवाल पर कहा कि जब वे प्रदेश में प्रभारी बनने के बाद पहली बार आए तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि उनको जिलों के दौरे करना चाहिए। उनका कहने का आशय कार्यकर्ता में उत्साह भरना है, मिशन 2023 की तैयारी करना है। जो कार्यकर्ता घर बैठे हैं उनको बाहर निकालना है। हम आज जो भी निर्णय ले रहे हैं वह कांग्रेस के हित में ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे को दबाने के प्रयास कई महीनों से चल रहे थे, लगातार उनके बयान भी सामने आ रहे थे, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रकरण लाद दिए गए थे। कांग्रेस में आज जो भी है वह अपनी निष्ठा से है, बगैर किसी दबाव के है। आज हमारे लोगों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, दबाव प्रभाव की राजनीति की जा रही है। दबाव प्रभाव से आप किसी का भी दिल दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। कांग्रेस की कल की बैठक में पारित प्रस्ताव पर भाजपा द्वारा उठाए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा बताए कि अमित शाह से लेकर नड्डा जी की नियुक्ति कैसे हुई। दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।